of IT and Technology, Chargy Affairs of Chinese Embassy, Ms. Pang Yun-Chi, Regional Vice President of Huawei Technologies, Mr. Wang Chun-Li, high-achieving students, ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu Alaikum. It is a pleasure to welcome all of you here. It has always been a pleasure. The only place where I feel very comfortable in talking about is the IT. I'm fascinated with the IT sector. You can't imagine how fascinated I am. And meri mulaqat, I'll speak in Urdu also, kyunki kabhi kabhi television ke zariye logon tak, Pakistaniyon tak ye baatein pahunchti hain. To translation ka intizam hai. To jo log apna wo laga lein, to unko Urdu ke andar meri baat bhi pahunch jayegi. तो मैं बहुत अरसे से फैसिनेटेड रहा हूँ. मैं कभी कभी बताना पड़ता है लोगों को कि जो मैंने पहला कंप्यूटर ख़रीदा था वो 1983 में ख़रीदा था, एप्पल टू ई, जिसमें फ्लॉपी डिस्क लगती थी. और उसके बाद से बहुत सारा डेटा मेरा आज तक मौजूद है, बहुत सारा डेटा. उसके बाद फिर सारा काम उसी पर करता रहा. तो जितनी काम के अंदर आसानी हुई, उस एतबार से मैं समझता हूँ कि अभी उमर सैफ साहब से मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आईटी अब हर फील्ड की दूसरी टांग है. कोई फील्ड अब बगैर आईटी के नहीं चल सकती. मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अब यही कहता हूँ, जो जिस फील्ड में भी जा रहा है, अब जा रहे हैं बाहर तालीम के लिए भी जा रहे हैं, प्रोफेशंस के लिए जा रहे हैं, तो मैं उन सब से कहता हूँ कि आईटी को हर प्रोफेशन के साथ तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा. अगली दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आर द टू थिंग्स विच हैव ओपन द डोर फॉर पाकिस्तान. अच्छा, इसके साथ साथ मैं हुआवी का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे इन्हमाक के साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, पाकिस्तान के यंगस्टर्स को इंसेंटिव ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड देन द एबिलिटी टू बी एबल टू एम्प्लॉय देम. और अपना अभी ये बता रहे थे कि ग्लोबल सर्विस सेंटर भी इन्होंने खोल लिया पाकिस्तान के अंदर, जो सारी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन देयर स्टफ, चाहे वो सॉफ्टवेयर का हो चाहे वो हार्डवेयर का हो. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ने तरक्की शुरू इसी से की थी कि वो सर्विस सेंटर्स के एतबार से, जब वो कॉल सेंटर्स बनाते थे या आईटी सेंटर्स, तो सर्विस सेंटर्स के एतबार से दुनिया को प्रोवाइड किया. और इसमें ये एक आसानी ये है कि हमारे यहाँ आसानी से इंग्लिश सिखा दी जाती है, सीखी भी होती है, तो हमारे लोग बड़ी आसानी से उसके अंदर एम्प्लॉय होते चले जाते हैं. मैंने एक किताब पढ़ी 2012-13 के अंदर, द सुपर पावर्स ऑफ एआई बाय को फूली. बड़ी अच्छी किताब थी. उससे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को साथ चलना चाहिए. उसके अंदर एक शख्स का जिक्र था जो चाइनीज़ ब्यूरोक्रेट था, मगर उसकी मुसलसल ये तारीफ थी कि ही वर्कड एज इफ ही वॉज इन द प्राइवेट सेक्टर. वो पीछे पड़ा रहता था लोगों के, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेंड करता था के इनक्रेज किया जाए. और चाइना ने, देखिए, एक होती है ओरिजिनल रिसर्च जो हम साइंस और इंडस्ट्री और आईटी के अंदर हम करने की कोशिश करते रहते हैं, विच इज़ फाइन. एक होती है कि दुनिया जब आगे चली गई ना, तो उसी ट्रेन पर सवार हो जाओ, इससे कबल के दूसरी ट्रेन बनाने की कोशिश करो. तो वो चाइना ने वो फिलॉसफी अडॉप्ट की, जो दुनिया के अंदर ऐप्स मशहूर हुए उसको अपने चाइनीज़ माशरे के एतबार से उन्होंने उसको अडेप्ट किया. तो द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, first 10 or 12 years of their IT movement is looking at what has been done already by the world, aur bajaye iske ke invent the wheel all over again, unhone uske andar participate kiya. acha, magar kyunki Umar Saif sahab yahan baithe hain, to ek bahut ahem baat main inse karna chahta hu. ye aur uske upar pichle 2-3 saal pehle maine 3 kitabein logon ke liye recommend ki thi, aap jaise aur bahut sare jo faisla karne wale log hain उनके लिए रिकमेंड की थी कि दुनिया को ये एहसास हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं वो आईटी की तरक्की से बहुत पीछे हैं. अच्छा, ये उमर साहब को पंजाब में महसूस हुआ होगा कि जो इनके आइडियाज़ हैं उनकी अडेप्टेशन इज़ वेरी स्लो, बिकॉज जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, तो फिर हमारे यहाँ फिर ये कैफियत होती है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, लिहाजा बदलो मत. तो 3 किताबें मैंने लोगों को कहा, और ख़ास तौर पर मैं चाहता हूं कि हमारे डिसीजन मेकर्स पढ़ें. एक अजीम असर साहब की किताब है एक्सपोनेंशियल, अच्छा, और एक है एरिक श्मिट एंड हेनरी किसिंजर की किताब है, जिन्होंने उन्होंने भी यही बात की है कि आईटी इज़ गोइंग एक्सपोनेंशियल.
और लोगों को ये समझाता मैं हूँ एक्सपोनेंशियल, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, हम लीनियर थिंकिंग के आदी हैं कि 10 कदम लिए तो 10 कदम हमने तरक्की की। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है, और मैं कभी मिसाल देता हूँ, एक हिंदुस्तान के एक राजा की कहानी है कि उसने कोई पज़ल रखा और किसी ने उसको बड़ी अच्छी तरह से हल कर दिया, तो उसने कहा तुम्हें मुँह मांगे दान दूंगा। उसने कहा मैं क्या छोटा आदमी हूँ, छोटी बात करता हूँ, आप शतरंज के शौकीन हैं तो एक चावल का दाना एक पहले खाने में दे दीजिए और फिर दो चावल के दाने दूसरे खाने में दे दें और इस तरह से करते चले जाए। उसने कहा तो बड़ा आसान काम है। उसने चावल की एक बोरी मंगाई, काम शुरू किया। पता चला कि टू फिल 64 स्क्वायर्स इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर, टू डबल इट, इट वुड टेक 10 फीट ऑफ राइस टू कवर ऑल ऑफ इंडियन टेरिटरी। एक्सपोनेंशियल इज दैट। तो आईटी टुडे इज प्रोग्रेसिंग इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। अच्छा बिल्कुल, यानी मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन तो इस बात की आदी है कि आज जो चीज़ थी वो कल बदल जाएगी, वो आदी है, हम इस बात के आदी नहीं हैं। और मेरे पाकिस्तान के लिए ये बे इंतहा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप इस बात को पहचाने और समझे। मैं हुआवी से वैंग चुन ली साहब से अभी ये पूछ रहा था कि 2 साल पहले इन्होंने 3 साल पहले एक प्रोग्राम सजेस्ट किया, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, इन्होंने एक प्रोग्राम सजेस्ट किया कि ब्यूरोक्रेट्स, 1000 ब्यूरोक्रेट्स को हम आईटी फैमिलियर करेंगे। अच्छा मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था और मैंने उसके ऊपर इतना एक्सीलरेटर लगाया, मगर आपको यकीन नहीं आएगा, देयर वाज स्लो प्रोग्रेस। पहले साल में 25-30 लोग आए, 40 लोग आए और ये 1000 देने को तैयार थे और अभी भी 1000 पूरे नहीं कर सके हैं डिपेंडिंग ऑन आर रिस्पॉन्स। 800 लोगों को इन्होंने ट्रेन कर लिया, आई थैंक देम फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम आई फील कि जिसको प्यास हो वो तो भाग कर पानी पर पहुंचता है। माफ़ कीजिएगा ये बताना मैं भूल गया, यहाँ जो साहब बैठे थे उनको लो ब्लड प्रेशर हुआ तो ही फेल अ लिटिल सिक एंड ड्राउजी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिसको प्यास होती हो तो भाग कर जाता है ना। इसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन, मैं 2007 में आई स्पोक इन शेंजन चाइना ऑन ऑनलाइन एजुकेशन एंड आई इंसिस्टेड कि भाई वीडियो टेप्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन जहाँ से मैंने पहला मास्टर्स किया था 75 में, वहाँ के अगर मुझे हमारे डेंटिस्ट को वीडियो टेप्स और टीचिंग मटेरियल मिल जाए तो हमारा डेंटिस्ट एक साल में वर्ल्ड क्लास डेंटिस्ट बनेगा तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक दैट। मगर उस चीज़ को हजम नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान को ज़रूरत थी और प्यास थी। मिनिस्टर्स आए, जब मैं यहाँ आया तो मैं मिनिस्टर्स को कहता रहा, यू नो वॉट हैपन, कोविड की वजह से सबको हजम करना पड़ा। समथिंग विच पाकिस्तान शुड हैव डन फर्स्ट, उसकी भूख और प्यास सबसे ज़्यादा थी कि वो इस ट्रेन पर चढ़ जाए। और अभी भी मैं उमर साहब से गुजारिश करना चाह रहा था कि इतने बड़े बड़े परेशान कुन नंबर्स हैं मेरे लिए और बगैर आईटी के मैं एक कदम नहीं उठा सकता। अभी आई जस्ट मैंशन टू हिम कि 2,70,00,000 बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल, 2,70,00,000। इमेजिन करो कितना पोटेंशियल है। जो उमर साहब कह रहे थे ना कि पोटेंशियल ये है कि फिफ्थ बिगेस्ट कंट्री है और यूथ है, मगर अगर यूथ को स्किल सेट नहीं दोगे तो वो यूथ बेचारा अगले आगे जाकर 4 साल बाद 5 साल बाद सिर्फ फिजिकल लेबर के काबिल होगा। तो एक तो बहुत बड़ी चेंज की वहाँ ज़रूरत है, मगर 2,70,00,000 से चले। यू नो हाउ मेनी स्कूल्स आर नीडेड फॉर 2,70,00,000 बच्चे, 55,000 स्कूल्स। And I was just mentioning the provincial budgets on education, all of them, all provinces range from 25% to 30%. To create 55,000 schools in the present circumstances will take 20 years. Can we afford that? 32% of our children are out of school, Umar Sahib Sahib. Ye itna bada burden hai. And 68% are in school. And if you look at the neighboring countries with whom we want to compete, all of them are between 98% and 100% children in school. Can you imagine? Acha, aur ye cheeze background mein reh jaye, kyun reh jaye? How can this progress be made? Ek baat maine aapko batai. Aur cheezon ke liye outreach ke hawale se. Today the matter, cheezen jo hai, information people should know and outreach hona chahiye. Itna acha program Pakistan ki hukumat ne kiya hai, Prime Minister's Digital Skills Program. Bahut acha. 22 lakh लोगों ने उसको लिया, डिजिटल स्किल्स है ना, 6 महीने का मुफ्त कोर्स, नो एंट्री क्वालिफिकेशन। तो 8वीं जब वाले भी अटेंड किया, विदाउट एजुकेशन किसी ने चाहा कोशिश की उसने भी किया, मैट्रिक वालों ने किया, एफएससी वालों ने किया, बीएससी वालों ने किया, पीएचडीज ने किया, 22 लाख बच्चों ने। अच्छा उसमें से
पास किया। अच्छा, और कोई पासिंग परसेंटेज कोई 40-30% थी, जिसमें पीएचडी भी वहीं थे और आठवीं वाला भी वहीं था। कैन यू इमेजिन, मैंने पिछले साल ये पता किया आईटी मिनिस्ट्री से कि इसमें हाई अचीवर्स बता दो, अर्नर्स, पीपल अर्निंग मोर देन $100,000 अ ईयर, एंड वी फाउंड 10 या 12 ऑफ देम, और पता नहीं कहाँ कहाँ के, पीछे जायदाद नहीं, पीछे ये नहीं कि बाप इतना बड़ा था, ये क्या था, अर्निंग $100,000 से ज़्यादा पर ईयर। सो वॉट इज़ हैपनिंग इन आईटी? दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, अभी द लास्ट प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन द असेंबली लास्ट ईयर कि द फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान वर एट द फोर्थ लेवल या फिफ्थ लेवल इन द वर्ल्ड आर टूडे द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स इज इन पाकिस्तान। वाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग, सॉरी टू मेक अ स्टेटमेंट, डिस्पाइट द गवर्नमेंट। तो मैं लाहौर में आई टी के लोगों के दरमियान और फ्रीलांसर्स के दरमियान बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि तुम गवर्नमेंट की तरफ मत देखो, यू हैव अ टैलेंट एंड यू विल कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑन दैट टैलेंट, यू हैव अ टैलेंट। पाकिस्तान की मईशत कुछ दिनों के लिए अगर कमज़ोर नज़र आती है, रिवाइव करेगी, यू हैव द टैलेंट, दुनिया में मार्केट है, तुम जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो वो हवा के ज़रिए तुम भेज रहे हो, है? किसी को माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, है ना? वॉट यू डू गेट्स यूज हियर बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज मार्केट हियर इज देयर फॉर यू टू फिल। उसके साथ साथ आपको बताऊँ द इंस्पिरेशन इन दिस एरिया है, मैं अब लेट मी कम अप 2,70,00,000 पर तो मैं सैफ साहब आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपने एजुकेशन के हवाले से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपने खान एकेडमी का नाम सुना होगा, सलमान खान, उसका एक इंटरव्यू छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में अबाउट 3 मंथ्स अगो 2 मंथ्स अगो। उसने कहा कि जी बच्चों के साथ, पहले देखो ये सिस्टम एजुकेशन का था कि फैक्ट्री में डाला पहली क्लास में और 10वीं में ले लिया, है ना, ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन। अच्छा, उससे पहले ये था कि किताबें हाथ की लिखी हुई होती थी तो उस्ताद के आगे और बड़े बड़े उलमा के आगे लोग चरणों में बैठते थे कि जी आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गया, चलता रहा मामला। इस वक्त नॉलेज इज़ इन द क्लाउड, इज़ नॉट इवन इन द बुक्स, इट्स इन द क्लाउड। और उसका सलमान खान गोइंग अहेड फ्रॉम हिज खान अकेडमी विच वॉज अ वेरी इम्प्रेसिव वेंचर, एंड उसकी सिमिलर चीज़ें पाकिस्तान में भी अब बनाने शुरू कर दी हैं। उसने उर्दू में भी उसको ट्रांसलेट कर लिया, आई टुक अ कोर्स ऑन दैट, है ना, मेरी मैं बताता हूँ किस चीज़ का, मैंने मैथमेटिक्स का एक कोर्स उसमें से किया क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत थी, तो वो अभी किया है ना? तो वो उसने ये कहा कि इस वक्त इस बात की पॉसिबिलिटी है कि नॉलेज क्लाउड प्लस AI ट्यूटर मेंटोर फॉर एवरी पर्सन अलग से, and he has formed an organization in the next step as different from Khan Academy, Khan Amigo karke. Acha, main ye samajhta hu ki Pakistan, and what you need only is some way to access for the child there. Ab Kenya ke andar kya hua, maine apni constituency mein bhi ye kiya ki maine ek class nahi pehli ke bachchon ko iPad diya, ek pad diya, not iPad, sasta sa pad diya, aur ek group ko baghair पैड के रूटीन काम जो किया, तो जिस ग्रुप के अंदर पैड से तालीम शुरू की, देवर ट्वाइस एज नॉलेजेबल आफ्टर